हेलो गाइस, साईं रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ नवरात्र अष्टमी और नवमी की पूजा की प्रसाद की थाली। तो आइए चलते हैं किचन में और बनाते हैं कन्या भोग के लिए प्रसाद की थाली, जिसके लिए मैंने आलू की सब्जी, साबूदाना खीर, पूरी, सूजी का हलवा, चना तैयार किए हैं। तो हम सबसे पहले माता रानी के लिए चने बनाते हैं। ये मैंने ओवरनाइट एक कटोरी चने भिगो के रख दिए थे और उनको कुकर में 3 सीटी आने तक बॉईल किया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ और अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने और इनको 5 से 6 सेकेंड के लिए हमें अच्छे से भूंजना है। फिर इसमें हम हल्के से कम ही मसाले डालें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी जीरा पाउडर। आप चाहें तो धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं पूजा के लिए बना रही हूँ इसलिए अमचूर नहीं डाल रही हूँ। और अब हम इन्हें 5 मिनट तक पकाएंगे और 5 मिनट पकाने के बाद जो मसाले अच्छे से पक जाएंगे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बॉयल में निकाल लेंगे। अब हम साबूदाना की खीर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 कप दूध लिया है और 1/2 कप साबूदाना। दूध में जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा हम उसमें ये साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना को हमें बिल्कुल धोना नहीं है, क्योंकि अगर साबूदाना पानी में धो के हम डालते हैं तो साबूदाना की खीर हमारी फट जाती है। इसीलिए हमें साबूदाना को ऐसे ही डाल के 5 मिनट पकाना है। और इसके बाद अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे 10 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें जो ड्राई फ्रूट आप पसंद करें वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच कोकोनट पाउडर, 5 मखाने, 1 चम्मच बादाम की कतरन, 1 चम्मच काजू को चॉप्ट कर लिया है और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच में इसमें अभी कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें मखाने, किशमिश सब ऐड कर देंगे। तो खीर हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। 2 उबले हुए आलू, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च जिसको बारीक चॉप कर लिया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें मैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 हरी बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे। जैसे ही जीरा और सौंफ इस तरीके से चटकने लगेंगे तो इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जीरा जब अच्छे से चटक जाता है तो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जीरे में और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि जो जीरे और सौंफ का फ्लेवर है वो आलू और टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मसाले ऐड करेंगे। मसाले हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी होती है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच में इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है 2 मिनट 3 मिनट के लिए। और ये देखिए अब मैं इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं। और हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अब हम प्रसाद के लिए हलवा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, सूजी रवा जो आप कहते हो, और इसे हमें थोड़ी भूंजना है। जैसे ये थोड़ी सा भून जाएगा इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। तो इस तरीके से अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें 3 चम्मच घी डाल रही हूँ देसी। सूजी को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजना है, जिससे हलवा बहुत ही दानेदार और टेस्टी हलवा बनता है और ये फटाफट हलवा बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से सुनहरा गोल्डन हो चुका है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जब तक सूजी हमारी ठंडी होती है तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। तो मैंने वापस से उसी कढ़ाई में मैं इस गिलास से 1.5 गिलास पानी डालूंगी, 1 कप चीनी और थोड़ी सा मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। आप पसंद करें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालूंगी और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसकी प्रॉपर चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी थोड़ी सी घुल जाए और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। तो हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे और अब इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। हलवे को हम चलाते रहें क्योंकि सूजी डालते हैं गर्म चाशनी में तो गांठ बढ़ने लगती है। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और अब ये देखिए अब हम इसमें 1 चम्मच
फिर से मैंने देसी घी डाल दिया है। घी आप ज़्यादा पसंद करें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके में मैं एक चम्मच कोकोनट पाउडर, एक चम्मच काजू, एक चम्मच बादाम और किशमिश, सब ड्राई फ्रूटों को मिक्स कर रही हूँ। इसमें से जो जो आप पसंद करते हो तो डालें और नहीं तो हटा दें। अब हम पूड़ियों के लिए आटा गूँथ लेते हैं। दो कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है, एक चम्मच नमक डाला है। नमक आप पसंद करें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक चम्मच मैंने इसमें अजवाइन हाथों से क्रश करके डाली है और एक कप हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपको कम ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि किसी आटे में पानी ज़्यादा सूखता है और किसी में कम लगता है। तो इस तरीके से हमें पूड़ियों का डो आटा लगा लेना है। ना ही ज़्यादा हमें सॉफ्ट लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट, इस तरीके से रखना है। अब मैं इसमें एक चम्मच देसी घी डालूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से मसल के। घी डालने से पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन के हमारी तैयार होती है। तो इस तरीके का हमें डो रखना है। और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपने अनुसार छोटा बड़ा जिस साइज की पूड़ी बनाए वैसे रख सकते हैं। अब हम एक एक करके पेड़े बना के पूड़ियाँ बना लेंगे। पूड़ी हम एक साइड से ही बेलें तो पूड़ी हमारी बहुत अच्छी फूल के तैयार होती है। पूड़ी को बीच में पतला हमें नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए पूड़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। कढ़ाई पे गैस पर पहले ही रख चुकी थी, तो आइए चेक कर लेते हैं कढ़ाई हुई कि नहीं। तो थोड़ी सा आटा डाल के हम एक बार चेक कर लेंगे, कढ़ाई हो चुकी है। अब हम इसमें पूड़ी डालेंगे। जब हम पूड़ी डालते हैं तो उसमें झरिया तुरंत ही मत लगाइए। ऐसा करने से पूड़ी अच्छे से फूल जाती है, और अगर हम तुरंत उसमें झरिया लगाते हैं तो पूड़ी नहीं फूलती है हमारी। तो हम इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ तल लेंगे और प्रसाद की थाली हम तैयार करते हैं। 30 मिनट में ही हमारी थाली प्रसाद की बनके तैयार हो जाती है। और देखिए सारी पूड़ियाँ बिल्कुल फूली फूली निकल रही हैं। तो हम थाली लगा लेते हैं। हलवे में थोड़े से हम काजू ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखिए प्रसाद की थाली हमारी बनके रेडी हो चुकी है। दिखने में कितनी अच्छा लुक लग रहा है इसका। तो इस नवरात्रि अष्टमी नवमी पूजा के लिए आप प्रसाद की थाली ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको प्रसाद की थाली कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। ताई रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे खाना बनाइए। थैंक यू।